जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सीमा सुरक्षा बल की ओर से वर्तमान हालातों और 15 अगस्त को देखते हुए इन दिनों बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। बॉर्डर के साथ ही सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए गुजरात फ्रंटियर के आईजी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक पिछले 4 दिनों से लगातार पाकिस्तान से लगती सीमाओं के दौरे पर हैं। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल हमेशा 24 घंटे मुस्तैद रहता है। हमारे जवान हर वक्त बॉर्डर पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गुजरात फ्रंटियर में गुजरात का बॉर्डर और ये बाड़मेर जिले का 233 किलोमीटर एरिया आता है, तो मैं यहाँ विजिट पे आया था। मैंने मुनावा विजिट किया, गरड़ा फॉरवर्ड यूपी विजिट किया, थोड़ा यहाँ सिक्योरिटी का जनरल अरेंजमेंट देखा, तो वी आर क्वाइट अलर्ट और बीएसएफ बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी कर रही है। कुछ एक इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, बाकी बॉर्डर पे तो हमारा पूरा यहाँ पे बाड़मेर का डिस्ट्रिक्ट की पूरी फेंस हो चुकी है और कोई इंट्रूजन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन अलर्ट में थोड़ा अपना वॉर प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से तैयारी की जाती है, जिसमें हमारे कुछ एक वेपन्स वगैरह को सबको वहाँ डिप्लॉय करके थोड़ा टेस्टिंग और उस हिसाब से थोड़ा मैक्सिमम ट्रूप्स को बॉर्डर पर रखा जाता है। तो वो एक्सरसाइज जनरली एक साल में 2-3 बार हम लोग करते हैं, तो वो जनरली जैसे 15 अगस्त को देखते हुए लास्ट ईयर भी किया था और इस बार भी किया गया।